अपने या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए अब आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी कहीं भी अपने अपने परिवार के किसी भी सदस्य के आधार कार्ड को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना होता है, ये टोटली फ्री है। और आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास में लैपटॉप और कंप्यूटर का होना भी जरूरी नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन में भी इससे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली 2 मिनट के अंदर। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में लगे इस घंटे को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में पीसी में गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे UIDAI, इतना लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट में UID.gov.in की ऑफिशियल साइट देखने को मिलेगी। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने इसका होम पेज इस तरीके से शो होगा। अब हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर गेट आधार वाले सेशन में डाउनलोड आधार का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा माय आधार न्यू पोर्टल पर, जिसका होम पेज इस तरीके से शो होगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है। अब आप जिसका भी आधार डाउनलोड करना चाहते हैं उसके आधार नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे और फिर नीचे ये कैप्चा कोड जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा यहाँ पर टाइप करेंगे और फिर यहाँ से सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर एक OTP जाएगा। OTP यहाँ पर फिल करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डू यू वांट मास्क आधार, इस पर आपको टिक नहीं करना है। अगर आप इस पर टिक लगा देते हो तो फिर आपका आधार जो डाउनलोड होगा उसमें अपने आधार कार्ड नंबर पूरे देखने को आपको नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर OTP फिल करेंगे और फिर यहाँ से वेरीफाइड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपके फोन में आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा आधार डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन, योर आधार कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोड। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका आधार कार्ड एक PDF फॉर्म में डाउनलोड हो चुका है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज की वजह से उस PDF पर पासवर्ड लगा हुआ है। जैसे आप PDF को ओपन करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। अब पासवर्ड आपको क्या डालना है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि आपका नाम हनीश कुमार है और आपकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर्स 1989 है, तो आप पासवर्ड में डालेंगे कैपिटल में अपने नाम के 4 डिजिट, उसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ का सन, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल। तो हमारे फोन में हमारा ओरिजिनल आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। तो अब हम इस PDF को ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड में आप अपने नाम के आगे के 4 अक्षर और अपनी डेट ऑफ बर्थ का सन डालेंगे। तो जैसे कि आपका नाम राजेश है और आपकी डेट ऑफ बर्थ का सन 1980 है, तो आप डालेंगे राजेश के आगे के 4 लेटर और पीछे डेट ऑफ बर्थ का सन डालेंगे, जैसे 1980। आप इस तरीके से पासवर्ड टाइप करेंगे। आप जिसका भी आधार डाउनलोड करेंगे तो पासवर्ड भी उसी के नाम का लगेगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर पासवर्ड टाइप करके ओपन करेंगे तो आपके सामने आपका आधार कार्ड ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। हमारा आधार कार्ड ओपन हो चुका है और ये बिल्कुल ओरिजिनल आधार कार्ड है। और आप इस तरीके से अपना आधार कार्ड डाउनलोड करके अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो सो गाइज, आज के वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके दिमाग में फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में लगे इस घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद।